जी आपने बिल्कुल सही पढ़ा, मैं हूँ टेक्निकल गुरुजी। सीरियसली? देखो बात कुछ ऐसी है कि आपके घर के टीवी पंखे एवं मोबाइल से लेकर हर चीज की जानकारी केवल एक बंदे को होना चाहिए, वो है आपके। देखो कुछ ऐसा सीन है कि मैं अपने आप को टेक्निकल गुरुजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है लैपटॉप में। हेलो भाई, 20,000 का लैपटॉप चाहिए, लेकिन एक बात सुन, उसमें पबजी चलना चाहिए वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। चलो ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो आम सभी लोग पूछते हैं कि पबजी 20,000 के लैपटॉप में चल जाता है। चल तो जाता ही है, लेकिन उससे खतरनाक लोग जब मेरे पास आते हैं वो पूछते हैं, भैया जी मुझे आईफोन लेना है। तो मेरा रिएक्शन देखोगे उस टाइम, आप भी कहोगे बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। भैया जी हम फोन लेने की सोच रहे हैं, हम कौन सा ले लें? अरे एक बोनी आता है, क्या नाम है उसका, आईफोन। कितने का आता है वैसे? यही कुछ 90 से 1 लाख के करीबन आ जाएगा। अरे भैया जी हम तो जब वो आईफोन है 20,000 का मिलने लगे तब हमें बता देना, हम ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू भैया जी, राम राम। तो देखो भैया जी कुछ ऐसा सीन होता है कि उनको लेना वेना कुछ रहता नहीं है, बस पूछ लेते हैं कि आता कितने का है। तो कुछ इस तरह के भी सीन हमारे साथ होते हैं। और यहाँ पर एक सीन जो होता है इसको तो आपने अक्सर ही देखा होगा, चलो वो भी मैं बताता हूँ। कह भैया जी इस बल्ब को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें? अरे तो मैं तो पता ही है, तुम तो बताते रहते इसको कैसे कनेक्ट करें, इसको कैसे कनेक्ट, अब तुम बताओ कैसे कनेक्ट करें। रुको तो सही, हम बता तो रहे हैं यार, तुम्हें बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। और जो बता हम मोबाइल से कैसे कनेक्ट करके बताएं तुम्हारे LED बल्ब को? अरे हमें लगा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए तो घमंडा आ गए, अभी रुक जाओ मैं 10 चैनल से ब्लॉक करवा देने तब आने समझ में। अरे अब जा कौन है बात भाई का, हमें काहे को घमंड आ गया? मतलब आदमी को थोड़ी सी साता भी नहीं है, नहीं बता रहे हैं तो वो में दिक्कत है, बता रहे हैं तो काहे बता रहे हैं, मतलब हर चीज़ इनके लाने एक्सप्लेन करना पड़ा। लिटिल बिट ऑफ बुंदेलखंडी, प्लीज़ इग्नोर। देखो अब ऐसा कुछ है सीन रहता है मेरे साथ, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप भी टेक्निकल गुरुजी ज़्यादा मत बने, बाद में आपको ही दिक्कत हो सकती है। ये थी मेरी स्टोरी, अगर आपकी भी कुछ इस तरह की स्टोरी है तो कमेंट में कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।